अभी पाकिस्तान पर क्या मोहब्बत की बढ़िया नज्म सुनाई, हालांकि किसी जमाने के फास्ट बॉलर रहे इमरान खान अभी अभी चले गए। सब जाएंगे, कुर्सियां सबकी जाएंगी, चाहे कोई कितनी भी तेज फेंकता हो। आए, आए, that is called compulsory। जब जंगल में आग लगती है तो न तो वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में बदलते हैं, और न वो बांस बच पाएंगे जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। मूल मुद्दों से ध्यान हटाने की बातें की जा रही है, और कुछ नहीं तो झटका और हलाल का ही मुद्दा, जबकि बकरे की कोई रजामंदी नहीं पूछ रहा। भाई तालियां कब दी, वाह, जिंदाबाद। इसे कहते हैं व्यंग्य। वाह, जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर। जानते हो मेरे गांव के कवि की पंक्ति है ये, राम अवतार त्यागी, जहां मैं रहता हूं पिलखवा, उसी के पास डोरी के थे। आप सबकी तालियां मेरे पूर्वज के लिए उठें। जी रहे हो जिस कला का नाम लेकर, जानते भी हो कि ये कैसे बची है। सभ्यता की जिस अटारी पर खड़े हो, वो हम ही बदनाम लोगों ने रची है। इसलिए थोड़ा सा कष्ट सहिएगा, थोड़ी समस्या सहिएगा, लेकिन इस सदन में मैं अकेला ही दिया हूं, जब मिलेगी रोशनी मुझसे मिलेगी। हम आखिरी लोग हैं, हमें इसलिए स्वीकार कर लीजिए कि इसके बाद ये नस्ल खतरे में है। जैसे जवाई बाद में 3-3 घंटे बैठ के एक चीता ढूंढने निकलते हो ना, हम उसी शब्द के जंगल के वो शेर हैं जिनको पद्मश्रियां देकर आजकल कागजी बनाया जा रहा है। तो इसलिए हमारी हिम्मत बढ़ाए रखिए अपनी तालियों से, इसलिए हिम्मत बढ़ाए रखिए अपने समर्थन से। आपके आकाओं, आपके नेताओं, आपके राजनीतिक दलों, उनके खिलाफ भी अगर हम बोलें तो इसलिए हमें सुनते रहिएगा कि भगवान न करे कभी वो आपके विपरीत हुए, तब भी हम आपके साथ खड़े होकर उनके खिलाफ बोल रहे होंगे। इसी हिम्मत का एक नाम हिंदुस्तान में, इसी हिम्मत को लेकर पढ़ने वाले एक कवि, मेरे बहुत प्रिय मित्र और कवि सम्मेलन के पिछले 30 वर्षों के अनवरत साथी भाई संपत सरल से अनुरोध करता हूं कि वे कृपा पूर्वक आए। आप दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ संपत जी का स्वागत करें। मीडिया के बंधु भी यहां बैठे हैं, माफी चाहते हैं आप लोगों से। हालांकि ये काम इनको करना चाहिए, लेकिन इनके मित्रों के दोस्तों के हाथ में कुछ है ही नहीं बेचारे, ये यहां से लिख करके ले जाएंगे, वहां कुछ और छपेगा। तो इनकी गलती नहीं है, क्षेत्रीय पत्रकारिता आज भी अपना काम बहुत बढ़िया ढंग से कर रही है, चाहे वो प्रिंट की हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक की हो, लेकिन ऊपर से जैसे आदेश मिलते हैं फिर उस हिसाब से हेर फेर हो जाती है। अखबार 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं, बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। वो धर्मयुग, साप्ताहिक, हिंदुस्तान, दिनमान, सारी का समय याद करो, नवा टाइम्स में किस तरह की खबरें राजेंद्र माथुर किससे कैसे संपादकीय लिखते थे। अब इनकी चलती नहीं भले लोगों की, वरना तो कल क्रांति हो जाएगी। पेन जेब में टांग दिया, कंधे पे कैमरा लगा दिया, हाथ पीछे बांध दिया। क्या बढ़िया बात कही है, वाह वाह वाह, हाथ पीछे बांध दिया। और हालात ऐसे हैं कि कार्टून भी नहीं छाप सकते अपनी मर्जी का। प्रधानमंत्री कदम ताल करते हैं तो मीडिया उसको मार्च पास्ट बताता है। कोई मूल मुद्दों की बात नहीं है, एक कैसेट बजा देते हैं। डीजल पेट्रोल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतरराष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए, फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। अभी पाकिस्तान पर क्या मोहब्बत की बढ़िया नज्म सुनाई, हालांकि किसी जमाने के फास्ट बॉलर रहे इमरान खान अभी अभी चले गए। सब जाएंगे, कुर्सियां सबकी जाएंगी, चाहे कोई कितनी भी तेज फेंकता हो। आए, हाय, दैट इज कॉल्ड कंपल्सरी। वाह, मोहब्बत की बात करिए, देश दुनिया मोहब्बत से चलती है। जब जंगल में आग लगती है तो न तो वो बरगद बचते हैं जो हवा को आंधी में बदलते हैं, और न वो बांस बच पाएंगे जो आपसी रगड़ से चिंगारी पैदा करते हैं। मूल मुद्दों से ध्यान हटाने की बातें की जा रही हैं, और कुछ नहीं तो झटका और हलाल का ही मुद्दा, जबकि बकरे की कोई रजामंदी नहीं पूछ रहा। भाई तालियां कब दी, वाह, जिंदाबाद। इसे कहते हैं व्यंग्य। वाह, किसी जमाने में सोनिया जी के मायके का विवाद था, अब धर्मस्थलों के मायके का विवाद आ गया।
कन्यालाल सेठिया जी की कविता की तीन पंक्तियों की कविता है। ये माइक लगाने वाले सुन लें कि मौन प्रार्थनाएं शीघ्र पहुंचती हैं ईश्वर तक, क्योंकि वो मुक्त होती हैं शब्दों के भार से। ऋग्वेद से चले थे हनुमान चालीसा तक आ, और ताली वाली बजाते रहो वरना हम कवियों को भी आता है हनुमान चालीसा। जिन्हें अपने घर में संविधान पढ़ना चाहिए वो दूसरों के घर के सामने हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते। ताजुब देखो, जो काम हनुमान जी ने खुद लंका में नहीं किया वो हनुमान चालीसा हिंदुस्तान में कर रहा। इन चीजों से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मुझे धर्मवीर भारती का एक नाटक है अंधायुग, उसका एक दृश्य याद आता है। डॉक्टर साहब आप सुनिए, राम कथाएं करते हैं, आप वो दृश्य सुनिए। देश काल परिस्थिति पर इससे अच्छी टिप्पणी हो सकती नहीं हो सकती है। संयम जी कभी विधानसभा में बताइए आप इस बात को, जनता को कैसे उलझाया गया। युद्ध का 18वां दिन, दोपहर बाद का समय, धृतराष्ट्र और गांधारी इंतजार कर रहे संजय का कि वो आकर के बताएगा कि दुर्योधन मारा गया कि जीवित है। दो प्रहरी पहरा दे रहे हैं, अचानक सन्नाटा बढ़ता है, वातावरण भयावह होता है और अंधकार बढ़ने लगता है। तो एक प्रहरी ने दूसरे से कहा, पहले का प्रश्न और दूसरे के जवाब पे आपकी तालियां मिलनी चाहिए, राजनीति के तमाम लबादे उतार कर। पहले प्रहरी ने कहा, यह अंधकार अचानक बढ़ रहा कैसे है, जरा देखना। तो दूसरा प्रहरी बोला, अंधे राजा की प्रजा कहां तक देखे। हाय हाय, वाह वाह, वाह वाह वाह। और इसमें यह भी बताइए कि इमरजेंसी के टाइम में लिखा गया। ये इमरजेंसी के टाइम में लिखा गया है, और उस समय जो हालात थे उनसे भी लोग निपटे। धीरे धीरे चीजें बदलेंगी, जो मूल मुद्दे बुनियादी चीजें उनकी तरफ ध्यान जाना चाहिए। मैं एक रचना आपको सुनाता हूं। दो चीजें हैं, प्रशासन के लोग बैठे हैं, पूरा विश्व का नजारा आप देख लो, पुतिन हो, जिनपिंग हो, ट्रंप तो खैर चले गए, एर्दोगन हो, बोलसोनारो हो, वहां वाले हो या यहां वाले, जनता को लगता है कि राजा का चुनाव वो करती है। दरअसल 10-12 मल्टीनेशनल कंपनियां मिलकर के जिसमें चाबी भर देती है वो खिलौना चल पड़ता है। दो चीजें हैं, बाजार और बाजारवाद। बाजार हर युग की जरूरत है, दोनों में अंतर ये है, बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना, और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। क्या बात है, वाह। वो चाहे किसी देश के चुनाव हो, चाहे किसी देश के ऊपर आक्रमण हो, आप क्या सोचेंगे, क्या पढ़ेंगे, वो भी कहीं और से तय हो रहा है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी ईदगाह इसलिए पाठ्यक्रम से हटा दी गई कि आज गांव में मेले भरेंगे, और हामिद अगर दादी के लिए चिमटा मेले से खरीदेगा तो मल्टीनेशनल कंपनियों के ब्रांडेड चिमटे ऑनलाइन कैसे बिकेंगे। क्या बात है, वाह, बढ़िया बात है, क्या बढ़िया बात है। हम तीखा बोलते हैं, बुरा जरूर लगता है, लेकिन चीजें किधर जा रही हैं उस तरफ भी ध्यान दो आप, कि इसलिए नहीं चुनवाए तकदीर ने तिनके कि जब बन जाए नशेमन तो कोई आग लगा दे। मैं सहज रहता हूं जीवन में, मुझे जैसा बताया डॉक्टर साहब ने, कितने लोग गालियां देते हैं, कितनी तालियां देते हैं, मैं इसका ज्यादा हिसाब किताब नहीं रखता। वो अपना काम कर रहे हैं, हम हमारा काम कर रहे हैं, आमने सामने सब मोहब्बत से सुनते हैं, वो सब सोशल मीडिया की समस्या है। वरना तो मेरी इमेज ऐसी बना दी जैसे मैं मोदी जी का विरोधी हूँ, जबकि उन्होंने घंटों हमको सामने बैठ करके सुनाया। डॉक्टर कुमार विश्वास के संचालन में अहमदाबाद में कितनी बार कभी उन्होंने इस तरह का नहीं किया, खूब व्यंग किए हमने, लेकिन इमेज ऐसी बना दी जैसे मोदी जी का विरोध। मैं तो अगर भूल से भी ये कह दूं कि मोदी जी 2019 में विकास के दम पर दोबारा जीत कर आए तो लोग जूता निकालते हैं कि शर्म नहीं आती, प्रधानमंत्री के बारे में झूठ बोलते हैं। मैं ऐसी हालातों से दो चार होता रहता हूं। 2019 में जब चुनाव में बढ़त मिली हमारे आदरणीय मोदी जी को, तो मेरे पास एक गुजरात से फोन आया, सच्ची घटना है। बोले, और सुनाओ क्या हालचाल है। मैं जान रहा था कि मैं व्यंग करता हूं, ये उस पर व्यंग करके जवाब दे रहा है। बोले, और सुनाओ क्या हालचाल है। मैंने कहा, हालचाल ठीक है और सुनाने का पैसा लेते हैं। आप लोग भी उलझा मत करो, वो होमवर्क देने के लिए छोड़े हुए हैं, उलझो मत। फिर उसने दूसरी मिसाइल दागी, बोलो फिर जीत रहे मोदी जी। मौका, अच्छा, हमको भी नया नहीं लिखना पड़ेगा।
अभी एक इनकम टैक्स के अधिकारी मिल गए, प्रशासन के बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, वो भी सच्चा किस्सा है। उन्होंने मजाक में कहा, बोले संपत सरल जी सत्ता व्यवस्था पर इतने तीखे व्यंग करते हो, किसी दिन छापा वापा वाले भिजवा देंगे। मैंने कहा साहब एक हिंदी के लेखक के घर में लाइब्रेरी में गबन के नाम पर मुंशी प्रेमचंद के गबन उपन्यास के अलावा क्या मिलेगा? और अगली बात पर तालियां बजाना, जो मैं सहज रहता हूं। फिर भी मैंने कहा किसी ऊपर के दबाव में जबरदस्ती फंसाने की कोशिश करोगे तो हम भी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे।